स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा था तो आज थोड़ा सा उसको और एडवांस लेवल पर देखेंगे सो इफ़ यू रिकॉल हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन इज बेसिकली रिलेशनशिप अमंग आउटपुट एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो दिस इज द मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द अमाउंट ऑफ आउटपुट विद द अमाउंट ऑफ इनपुट्स सो हम बात करेंगे y is equal to a f K N. So in this y is the output, real output produced in a given time period. And A is the number which measures the overall productivity. So A represents the state of technology ko, state of knowledge ko efficiency co factors of production how how effectively are being used and k is the capital stock or quantity of capital used in the in that period and similarly n is the number of workers employed in that period so F, F simple use to show the functional relationship between फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी ए जिसको रिप्रजेंट कर रहे हैं स्टेट ऑफ नॉलेज को टेक्नोलॉजी को इफ़ेक्टिवनेस को ठीक है कि हाउ एफिशेंटली इफेक्टिवली फेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर बींग ट्रांसलेटेड इंटू आउटपुट सो इस ए को इस प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंट फॉर्म्स में हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट फॉर्म इस दिस देसवंध जो आपके सामने है ये ये कहलाती है न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इससे मुराद ये है कि एनी इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द मार्जिन प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन द सेम वे ठीक है फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी टेन परसेंट उसमें इंप्रूवमेंट आती है तो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी टेन परसेंट इनक्रीज होगी और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी टेन परसेंट तो दोनों को ये एक ही तरह से इफेक्ट करता है इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज अ न्यूट्रल इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी द अदर इज कैपिटल ऑक्यूमेंटिंग इसमें आप देखेंगे कि इसमें हम ए को के के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है सो मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म में आ रहा है ए इंटू के जबकि पहले न्यूट्रल में आप देख रहे थे कि फंक्शन से बाहर हम उससे लिख रहे थे सो so, इसका मतलब यह है कि एनी इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट ओनली द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर विल नॉट बी अफेक्टेड बाई दिस ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आती है टेन परसेंट चेंज आती है तो ये माजम प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को जस्ट इंक्रीज करेगा मार्जम प्रोडक्ट ऑफ लेबर इससे इंक्रीज़ नहीं होगी तो so, इस कॉन्टेक्स इस में हम इसे कहते हैं कि कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस द अदर फॉर्म इज लेबर ऑगमेंटिंग तो उसी पैटर्न पर आप, आप देखेंगे कि इस इसमें हमने टेक्नोलॉजी को ए को मल्टीप्लाई किया एन के साथ ठीक है सो कोई भी इम्प्रूवमेंट जब टेक्नोलॉजी में आएगी तो ये सिर्फ मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर को इम्प्रूव करेगी कैपिटल को यहाँ ये अफेक्ट नहीं करेगी तो इस ये ये तीन डिफरेंट मैं रिकैप कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है वो तीन तरह से प्रोडक्शन फंक्शन में हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फर्स्ट वन इज़ द न्यूट्रल वे ठीक है सेकेंड इज़ कैपिटल ऑगोमेंटिंग एंड द थर्ड वन इज द लेबर ऑगोमेंटिंग और मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूट्रल का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट दोनों को एक तरह से अफेक्ट करेगी कैपिटल ऑक्यूमेंटिंग में सिर्फ कैपिटल की मार्जिन प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगी और लेबर ऑगोमेंटिंग में सिर्फ लेबर को करेगी एक और डायमेंशन जिससे हम प्रोडक्शन फंक्शन को क्लासीफाई कर सकते हैं ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते आए हैं लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन सो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है कि आल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल सो ए कैन चेंज के कैन बी चेंज एंड एन कैन बी चेंड सो इसको हम यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिटर्न टू स्केल डिस्कस करना चाहते हैं समझना चाहते हैं रिटर्न टू स्केल का मतलब यह है कि अगर आप तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को से डबल कर देते हैं तो हाउ मच आउटपुट विल चेंज ठीक है अगर हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो इस तरह का लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हम यूज़ करेंगे इसी तरह से ग्रोथ थ्योरीज हम पढ़ेंगे इसमें और उसमें भी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ही यूज़ किया जाएगा और दूसरी वे जिसमें हम इसको डिस्क्राइब करते हैं ये है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इसमें आप देखेंगे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फॉर एग्ज़ाम्पल के ऊपर हमने बार डाल दी इसका मतलब ये है कि वी आर वी आर कीपिंग दिस के कॉन्स्टेंट एंड कैन बी चेंज